हेलो गाइस, वेलकम टू वंडर लकी। हम आ गए हैं टर्मिनल 3 ऑफ इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट एंड नाउ वी आर प्रोसीडिंग टू मलेशिया। ये हमारा इस साल की थर्ड और मेरी लाइफ की फोर्थ कंट्री है मलेशिया। हम जाने वाले हैं और मलेशिया के बारे में कुछ बातें करेंगे हम लोग अभी थोड़ी देर में। जब तक मैं आपको बता दूँ, मैं हूँ इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली। मैं आपको थोड़ा सा व्यू दिखा देता हूँ एयरपोर्ट का, कंडीशन कैसी है। दिल्ली एयरपोर्ट बहुत ही बिजी एयरपोर्ट में से एक है इंडिया का, तो ऐसा तो नहीं है कि किसी भी टाइम पर आपको क्राउड नहीं मिले। यहाँ पर भर के क्राउड मिलेगा और हम बोर्ड करेंगे अपनी फ़्लाइट थोड़ी देर में। ये हमारी एयर एशिया की फ़्लाइट है जिसमें एक वाक्य और हो गया हमारे साथ में। एक्चुअली मैंने चेक इन बैगेज परचेज़ नहीं किया, सिर्फ मैं कैरी ऑन बैगेज लेके जाने वाला था अपने साथ में। उसमें दिक्कत ये हुई मुझे कि मैंने जो कैरी ऑन बैगेज था उसका मेरा वेट जो है 13.8 kg तक चला गया, जिसको उन्होंने बोला कि विल नॉट अलाउ दैट। 7 kg तक अलाउ है, उससे ऊपर जो है आपको या तो ABBP में, मतलब बेसिकली कैरी ऑन बैगेज में आपको अपग्रेड कराना पड़ेगा 14 kg में, या फिर आपको चेक इन बैगेज में से देना पड़ेगा। अब मैंने कैरी ऑन बैगेज के लिए उनसे कहा तो उनके पास ऑप्शंस अवेलेबल नहीं थे। अवेलेबिलिटी ना होने की वजह से उन्होंने मेरा उसे डाल दिया चेक इन बैगेज के अंदर। अब वो चेक इन बैगेज के अंदर चला गया तो मैंने उसमें से अपना लैपटॉप निकाल लिया। मैं तो अपना सामान दिखाता हूँ यार, ये मुझे निकालना पड़ा ये सामान। ये मेरे इन हैंड है, हाथ के हैं मेरे, मुझे ऐसे ही लेके जाना पड़ेगा फ्लाइट में भी। लैपटॉप भी मुझे, लैपटॉप मेरा चाहिए था और बैंक लैपटॉप बैटरी वाला सामान, बैटरी ओरिएंटेड सामान जो हम चेक इन बैगेज में नहीं दे सकते, बैग स्टक ना हो जाए इसलिए। तो इन दैट केस मुझे ये सामान निकालना पड़ा और थोड़ा सा क्योस हो गया मेरे लिए। ये हाथ में मुझे लैपटॉप कैरी करना पड़ रहा है। और हाँ, उससे दूसरी बात एक और कि 64,000 प्लस टैक्स उन्होंने जो चेक इन बैगेज में मेरा बैग डाला उसकी कॉस्ट मुझसे भी अलग से ली, तो विच बिकम एक्सपेंसिव, टिकट एक्सपेंसिव कर दिया इसने। इट्स ओके, मैटर वो नहीं है। मैटर ये है जो मुझे परेशानी हुई, जो वहाँ पर होल्ड हुआ, थोड़ा वेट करना पड़ा, साथ में ये परेशानी भी कि मुझे सामान जो ऐसे लेके जाना पड़ेगा। प्लस मेरे जो कुछ खाने का सामान था, कुछ गैजेट्स थे, कुछ चीज़ें जो ऐसी हैं उसके अंदर रह गई चेक इन बैगेज के अंदर, बिकॉज आई डिडंट प्लान इट कि वो मेरा चेक इन बैगेज में चला जाए। मैं जैसे सोच रहा था वो चेक इन बैगेज मेरे साथ रहेगा, तो बट नेवर्थलेस आज की रात काटनी है हमें। सुबह हम पहुँच जाएँगे मलेशिया कुआलालंपुर, वहाँ पहुँचने के बाद ये परेशानी नहीं रहेगी इस चीज़ की। आगे हम आगे दिखाएंगे आपको हमारी एयर एशिया की बोर्डिंग कैसी रहती है। बाकी मेरा एक्सपीरियंस पर्सनली मैं बताऊँ तो एयर एशिया से तो कुछ खासा अच्छा नहीं हुआ अब तक। आगे देखते हैं, अच्छा करते हैं और ख़राब कर देते हैं इसे, जैसा भी होगा आई शुअली टेल यू, बताऊँगा मैं आपको आगे। ओके, बने रहिए हमारे साथ, सब्सक्राइब ज़रूर कर लो यार। बहुत मेहनत करने जा रहा हूँ, फिर से स्टार्ट हो रही मेरी ट्रिप आज।